मंगल ग्रह को साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहनों का कारक ग्रह माना गया है। मंगल ग्रह एक लाल ग्रह है और जो 9 ग्रह हैं हमारे उनमें से सबसे अधिक पौरुष इसी ग्रह का माना गया है और खेती के लिए भी मंगल ग्रह को मुख्य ग्रह माना गया है। इस ग्रह को युद्ध का देवता भी कहा जाता है। इस ग्रह में सबसे अधिक तीव्र ऊर्जा होती है और यह ऊर्जा सकारात्मक या नकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। प्रेमी जातक को मंगल एक भावुक प्रेमी भी बना सकता है। साथ ही साथ मंगल ग्रह व्यक्ति को इंद्रियों का गुलाम भी बना देता है। मंगल ग्रह अगर शुभ अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति साहसी और पराक्रमी होते हैं, जबकि मंगल की अशुभ स्थिति व्यक्ति को हिंसक प्रवृत्ति का बना देता है। मंगल ग्रह का एक और नाम भौम भी है, जिसे भूमिपुत्र कहा गया है। मंगल ग्रह की वक्री स्थिति भी होती है। मंगल ग्रह गोचर की अवधि में वक्री स्थिति में भी विराजमान रहते हैं और इस दौरान व्यक्ति में क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है। मंगल को नेतृत्वकारी ग्रह भी माना गया है। काल चक्र की कुंडली के अनुसार यह कुंडली के प्रथम भाव और अष्टम भाव के शासक होते हैं। कुंडली में मंगल की स्थिति आपकी संरचना का प्रतिनिधित्व करता है कि आपकी संरचना किस तरह की होगी। व्यक्ति दुबला होगा, मोटा होगा या तंदुरुस्त होगा, यह सब मंगल ग्रह के ही ऊपर निर्भर करता है। ये जितने भी कारक हैं, यह सब मंगल ग्रह से ही प्रभावित होते हैं। जो लोग सर्जन होते हैं, वह एक अच्छा सर्जन अपनी कुंडली में स्थित मंगल ग्रह की वजह से ही बन सकते हैं। हालांकि मंगल को क्रूर ग्रह भी माना गया है, लेकिन कर्क और सिंह लग्न वालों के लिए मंगल योगकारक ग्रह हो जाते हैं और ऐसे जातकों को मंगल अपने जीवन काल में समृद्धि और सम्मान देते हैं। राशि चक्र की बात करें तो मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं। मेष राशि आक्रामक और वृश्चिक राशि संकोची और गुप्त होते हैं। मंगल 6 सितंबर 2021 को सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिनका गोचर सुबह 3:21 पर होगा। उसके बाद यह 22 अक्टूबर 2021 तक कन्या राशि में ही बने रहेंगे। 6 सितंबर 2021 को दो गोचर होने जा रहे हैं। 6 सितंबर 2021 को शुक्र ग्रह भी कन्या राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो 6 दिसंबर 2021 के मंगल के इस गोचर से हमारी जो 12 राशियां हैं उन राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, क्योंकि मंगल का गोचर बहुत अहम हो जाता है, उसमें से आज हम प्रथम की 6 राशियां मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। बाकी बची हुई 6 राशियों के बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर कोई भी दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सभी लोग वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम और जानते हैं मंगल के इस गोचर से हमारी जो प्रथम राशि है मेष राशि, उस पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। मेष राशि के लिए मंगल प्रथम और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर की अवधि में वह रोग, ऋण, रिपु के षष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर की अवधि में मेष राशि के जातक ऊर्जावान और उत्साहित महसूस करेंगे। इस समय अवधि में आपके दिमाग में नए नए विचार आ सकते हैं। पेशेवर जीवन की बात करें तो आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता और लाभदायक परिणामों को प्राप्त करेंगे और आप इस अवधि के दौरान अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने और वांछित परिणाम प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य के इस समय दौरान सराहना करेंगे और आपके सहकर्मियों का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। इस अवधि के दौरान आप सफलता की नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। आर्थिक रूप से भी आप विदेशी स्रोतों से धन की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन इस अवधि के दौरान आपका खर्च भी बढ़ सकता है, इसलिए आपको अपने खर्च पर भी विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस अवधि में आप अपने निजी जीवन में भी कुछ बदलाव देख सकते हैं। इस अवधि के दौरान आपके पार्टनर या परिचित आपके साथ कुछ विवाद की स्थिति पैदा कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से यह अवधि बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है।
इस अवधि के दौरान आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि को शुभ करने के लिए आपको भगवान हनुमान की आराधना करनी चाहिए। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए मंगल द्वादश और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके संतान, शिक्षा और रोमांच के पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर की अवधि में मंगल आपको अपने संबंधों पर ध्यान देने की ओर आकर्षित करेंगे। इस समय अवधि में आपका अपने साथी के प्रति जो आपके विचार रहेंगे वह एकदम खुले रहेंगे। आप हर एक भावनाओं को अपने साथी के साथ शेयर करेंगे। मंगल के गोचर के चलते हुए आप रिश्तों में अपना प्रभुत्व जमा पाएंगे। आर्थिक रूप की बात करें तो आपको आर्थिक रूप में किसी प्रकार का जुआ या सट्टेबाजी से बचना होगा, क्योंकि यह आपके लिए अशुभ परिणाम देने वाला रहेगा। इस राशि के जो भी पेशेवर जातक हैं, उन्हें कार्य क्षेत्र पर टकराव का सामना करना पड़ सकता है। आपके सहकर्मी आपके पीठ के पीछे आपकी बुराई कर सकते हैं। इसकी वजह से आपका जो स्वभाव रहेगा वह चिड़चिड़ा रह सकता है, क्योंकि इस अवधि के दौरान अपने प्रयासों में अनावश्यक की रुकावट का सामना आपको करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जातकों को अपने जीवन साथी के साथ जो संबंध रहेंगे वह इस अवधि के दौरान सामान्य रहेंगे। इस अवधि के दौरान आपके रिश्तेदार या पड़ोसी आपसे जलन महसूस कर सकते हैं। प्रेमी जातकों के लिए यह अवधि अनुकूल नहीं रहने वाली है। आपके रिश्ते में इस अवधि के दौरान आसानी से गलतफहमी पैदा हो जाएगी। संतान की बात करें तो संतान के प्रदर्शन में भी इस समय कमी देखी जाएगी, और साथ ही संतान के स्वास्थ्य के प्रति भी कुछ चिंता आपको सता सकती है। बच्चों के व्यवहार को देखकर भी आप इस अवधि के दौरान व्यथित हो सकते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का भी इस अवधि के दौरान विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि पेट या पाचन से संबंधित समस्या इस अवधि में आपको परेशान कर सकती है। इस अवधि के दौरान आपको उचित खान पान की आवश्यकता होगी। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल छठे और ग्यारहवें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह माता और सुख के चतुर्थ भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर काल की अवधि में आप खुद को अत्यधिक आक्रामक महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण परिवार के सदस्यों, मित्रों और सहकर्मियों के बीच आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। इस अवधि के दौरान बच्चों के साथ आपका जो रिश्ता होगा वह भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इसके बाद भी आपके जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आप अपने घरेलू जीवन को सुधारने के लिए भी इस अवधि के दौरान अनेक प्रकार के प्रयास करेंगे। आपकी जो गतिविधियां रहेंगी वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपकी आंतरिक इच्छाओं से संबंधित होंगी, और इसका प्रभाव आपके करियर जीवन पर पड़ेगा। इस अवधि के दौरान आप अपने पेशेवर जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव कर सकते हैं। इस गोचर की अवधि में आप अपने लक्ष्य और इच्छाओं को अपने घर परिवार के सदस्यों के सहयोग से पूरा कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान आप कोई संपत्ति खरीदने या बेचने की भी सोच सकते हैं, या तो घर के नवीनीकरण में अपना धन खर्च कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान आपको अपने जीवन साथी का भी भरपूर समर्थन प्राप्त होगा। प्रेमी जातकों के लिए यह अवधि अनुकूल रहने वाली है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो इस अवधि के दौरान आपको स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि इस अवधि के दौरान आपको रक्त से संबंधित कुछ परेशानियां परेशान कर सकती हैं। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए मंगलवार के दिन लाल चीजू का दान करें। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल पांचवें और दसवें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में मंगल आपके साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहनों के तृतीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। मंगल का यह गोचर आपके लिए इस अवधि में अनुकूल साबित होने जा रहा है। यह गोचर आपको सकारात्मक परिणाम देगा। इस गोचर काल के दौरान आप में अत्यधिक मात्रा में साहस और ऊर्जा विद्यमान होगी। आप अपने जीवन में आने वाली हर कठिन परिस्थिति का चुनौतीपूर्ण सामना करेंगे।
आर्थिक रूप से भी यह अवधि आपके लिए अनुकूल रहने वाली है। अगर आप इस अवधि के दौरान सोच समझकर धन खर्च करें तो आपको अत्यधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप किसी चीज में निवेश करना चाहते हैं तो आपको किसी अनुभवी आदमियों से सलाह लेने की आवश्यकता होगी और धन का लेन देन करते समय भी आपको सावधानी बरतनी होगी। पेशेवर जीवन की बात करें तो आपको कार्य से संबंधित कोई यात्रा करनी पड़ सकती है। इस राशि के कुछ जातक सट्टेबाजी में अपना पैसा लगा सकते हैं और इससे आपको लाभ की भी संभावना बनती दिखाई दे रही है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को इन कामों से दूर रहने की जरूरत होती है। इस गोचर काल की अवधि में आपको अपने भविष्य के लिए कोई योजना बनाने का मौका मिल सकता है। इस अवधि के दौरान आपको अपनी प्रतिभा को तराशने के लिए कुछ नया सीखने की आवश्यकता होगी। इससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। इस अवधि के दौरान आपके अपने जीवन साथी और परिवार के लोगों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। स्वास्थ्य जीवन की बात करें तो छठे भाव पर मंगल की दृष्टि होने की वजह से कुछ स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपको परेशान कर सकती है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए मंगल के मंत्र का आपको 108 बार नित्य जाप करना होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए मंगल चौथे और नवम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके कुटुंब, वाणी और संचित धन के द्वितीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर की अवधि में आप वित्तीय रूप से बहुत अधिक भाग्यशाली नहीं होंगे, क्योंकि इस अवधि के दौरान आप किसी भी निवेश से एक औसत रिटर्न ही प्राप्त कर सकते हैं। सट्टेबाजी में पैसा लगाना या किसी से ऋण लेना इस अवधि के दौरान आपको अशुभ परिणाम देने वाला होगा। परिवार में कुछ मांगलिक कार्य होने की वजह से आपको कोई यात्रा करनी पड़ सकती है। इस अवधि के दौरान आपका जो पूरा ध्यान रहेगा वह अपने घरेलू जीवन पर रहेगा। इस अवधि में आप में ऊर्जा विद्यमान रहेगी, लेकिन इस अवधि के दौरान आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि इस अवधि के दौरान आपके मुंह से कोई भी शब्द सामने व्यक्ति को चुभ सकता है, तो आपको सोच समझकर बोलने की आवश्यकता होगी। अगर आप सोच समझकर न बोले तो आपकी वाणी की वजह से आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपके संबंध खराब हो सकते हैं। विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है और वैवाहिक रिश्ते में भी कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। इस राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए भी कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि के दौरान आपके विरोधी आपकी छवि को खराब करने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर भी इस अवधि के दौरान आपको सावधान होने की जरूरत होगी। इस अवधि के दौरान कोई चोट लगने की भी संभावना बनती है और साथ ही साथ शरीर में दर्द, थकान और अनिद्रा जैसी परेशानी आपको इस अवधि में परेशान कर सकती है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए नित्य मंगल स्तोत्र का पाठ करें। बात करते हैं आज की अंतिम राशि कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आत्मा और व्यक्तित्व के प्रथम भाव यानी लग्न भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर काल की अवधि में आप में क्रोध की अत्यधिक मात्रा देखी जाएगी, जिसके कारण आपके अपने दोस्तों के साथ और संबंधियों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। इस अवधि के दौरान आपको अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग सही तरह से करना होगा और बेवजह की चीजों में अपना धन खर्च ना करें। इस अवधि के दौरान आपको किसी जल्दीबाजी से भी बचने की सलाह दी जाती है और इस अवधि के दौरान आपके आक्रामक दृष्टिकोण से सफलता प्राप्त करने में कुछ रुकावटें पैदा हो सकती हैं। कोई भी निर्णय जल्दीबाजी में लेना आपके लिए अशुभ परिणाम देने वाला होगा। किसी भी नए उद्यम को इस अवधि के दौरान आपको शुरू करने से बचना होगा। बजाय इसके आपको जो आपकी परियोजनाएं चल रही हैं उन पर अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। इस अवधि के दौरान आपके प्रतिद्वंदी भी सक्रिय रहेंगे, तो आपको अपने प्रतिद्वंदियों से भी सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इस अवधि के दौरान आपके प्रतिद्वंदी कुछ परेशानी पैदा कर सकते हैं। आपको अपनी कड़ी मेहनत से ही आपका
भाग्य का साथ प्राप्त होगा। इस अवधि के दौरान आर्थिक दृष्टि की बात करें तो आपका जो खर्च होगा उसमें भी इस अवधि में वृद्धि देखी जाएगी। आपको अनावश्यक चीजों पर अपना धन खर्च करना पड़ सकता है। कन्या राशि के विवाहित जातकों का अपने आक्रामक रवैये के कारण अपने वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इस अवधि के दौरान दुर्घटना के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं, तो आपको सावधान होने की जरूरत है। किसी जोखिम भरे कार्य को करने से भी इस अवधि में आपको बचना है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य भी इस समय आपका कुछ अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए तीन मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। तो यह थी जो प्रथम की छह राशियां जो मंगल के गोचर से प्रभावित होने जा रही हैं। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय लिख सकते हैं। धन्यवाद।